हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नया तरह की डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमें इस तरह के दो ट्रांसफ़र टूल की ज़रूरत पड़ेगी। अपनी बोल के हिसाब से मैंने जो कैरेज का नंबर है उसको 7 पर सेट कर रखा है। डिज़ाइन जो है हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो नीडल का गैप करना है, दो से फंदे निकाले हैं, ये दो फंदे निकाले, इधर के दो फंदे निकाले, इधर डाल दिए और ये वाले फंदे हम इधर डाल देंगे। इसी तरह से फिर हम दो का गैप करेंगे। दो दो नील का गैप करते हुए हमें डिजाइन जो है वो बनानी है। इस तरह से फिर हम दो का गैप करेंगे, फिर ये दो नीडल निकालेंगे, इस साइड से दो नीडल निकालेंगे, ये दो नीडल का गैप करेंगे, ये वाले फंदे इधर ट्रांसफ़र करने हैं और इधर वाले फंदे हमें इधर ट्रांसफ़र करने हैं। इसी तरह से दो दो नीडल का गैप करते हुए डिज़ाइन बनाएंगे। ये दो नीडल का यहाँ गैप कर लिया है मैंने। अब इसी तरह से अपने फंदों के हिसाब से डिज़ाइन को कंटिन्यू करें। दो दो नीडल का गैप करते हुए डिज़ाइन बनानी है। सारी नीडल आगे कर लेंगे जिससे कैरेज को जब मैं चलाऊंगी तो फंदे ना फंसे हमारे। अब कैरेज को हम 5 बार चलाएंगे। अगर फंदे फंस रहे हैं तो नीडल को एक बार फिर से हम आगे की साइड कर ले रहे हैं। एक बार चला लिया हमने, दो तीन चार 5। अब 5 सलाइयाँ जब आप चला लेंगे फिर इस डिज़ाइन को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने नीचे मैंने डिज़ाइन बनाई हुई है, 5 सलाइयाँ चला लीं, फिर दो नीडल का गैप किया, इधर के फंदे इधर और इधर के फंदे इधर ट्रांसफ़र कर दिए, फिर इसी तरह से ऐसे नीचे किया है वैसे ही हम करते चले जाएंगे। जैसे नीचे मैंने यहाँ पर डिज़ाइन बना ली है, 5 नीडल के बाद आपको ये 5 सलाइयाँ चलाने का डिज़ाइन आपको बनानी है। मैं चला कर फिर आपको दिखा रही हूँ, डिज़ाइन आपकी बनती है।